मुंबई के घाटकोपर से मौलाना जरी को गिरफ्तार किया गया है। ये खबर बहुत तेजी से आ रही है और उन पर दो धाराएं लगाई गई हैं। आईपीसी 153B के तहत धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और आईपीसी 502 सेक्शन 2 के तहत पब्लिक को भड़काने वाली बयानबाजी। और जो मौलाना जरी उनके समर्थकों ने पुलिस स्टेशन के बाहर नाखूब नारेबाजी करी है, पूरा रोड को जाम कर दिया है और प्राइवेट जो व्हीकल्स है उन पे भी अटैक करने की कोशिश करी है और कई सारे जो उनके समर्थक है जो बात नहीं सुन रहे थे उनको गिरफ्तार भी कराया गया है। पुलिस उनसे बार बार अपील कर रही थी कि वो लोग शांत रहे, वो लोग कोऑपरेट करें, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था, कोई सुनने को तैयार नहीं था वहाँ पे। बार बार बीच बीच में वो धार्मिक नारे भी लगा रहे थे और बार बार भड़काऊ नारेबाजी करे जा रहे थे। और लगभग ये जो धरना है, ये जो नारेबाजी है, जो मौलाना जरी के समर्थक थे वो पुलिस स्टेशन के बाहर लगभग उन्होंने 8 से 9 घंटे तक इल्लीगल तरीके से रोड को ब्लॉक करके रखा और पुलिस ने कई सारे लोगों को हिरासत में लिया, अलग से फोर्स बुलाई गई वहां पे। और जब ये फिर भी नहीं माने तो पुलिस को हल्का सा सख्ती दिखानी पड़ी, आखिरकार लाठी चार्ज करना पड़ा पुलिस को। और खबरों के मुताबिक मौलाना जरी को अब गुजरात लेके जाया जाएगा ताकि आगे की कार्रवाई करी जाए। और मौलाना जरी के वकील का कहना है कि गिरफ्तारी से पहले उनको कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था कि गिरफ्तारी होगी उनकी। और 35 से 40 पुलिसमैन सिविल ड्रेस में, सिविल यूनिफॉर्म में मुफ्ती साहब के घर पे थे। सुबह में हम लोग जाने के बाद में उन्होंने पूछा कि क्यों आए, क्या है, तो बोले नहीं आप उनको बुलाओ तो ही हम आपको बताएंगे। काफी बार हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर क्या मामला है, तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। मुफ्ती साहब ने कोऑपरेट किया, मुफ्ती साहब ने दरवाजा खोला, उनको घर में एंट्री किया। एंट्री करने के बाद मुफ्ती साहब अंदर बैठे, उनसे कोऑर्डिनेट किया, उनसे बात की, तो उन्होंने ये बताया कि मुफ्ती साहब के ऊपर कुछ 153B का मामला दर्ज किया है गुजरात के अंदर, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब ने बोला कि आगे दर्ज किया है तो 53 का मामला है। तो अर्नेश कुमार के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, बीकेडी के वासु के गाइडलाइंस के हिसाब से आप मेरे को 41 का नोटिस सर्विस कर दो, हम लोग आपको जो भी है कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। आप मुझे जो भी पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहते हैं मैं तैयार हूँ। और चाहिए तो आप अभी मुझे पुलिस स्टेशन में लेके जाना चाहते हैं स्टेटमेंट देने के लिए, तो मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने मुफ्ती साहब यहाँ पे आए, अपना स्टेटमेंट दिया, सब कुछ दिया, बट अभी तक के अभी 8 बज चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ना 160 का नोटिस दिया गया, ना 41 का नोटिस दिया गया। मुफ्ती साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अभी तक मुफ्ती साहब को इलीगली तरीके से डिटेन करके रखा हुआ है, कुछ बता नहीं रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। और काफी लोग यहाँ पे मौजूद है, काफी लोग ने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया, पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन किसी की तरफ से कमिश्नर भी आए, एडिशनल सीपी साहब भी आए, लेकिन हम लोगों ने सबको रिक्वेस्ट किया कि सर आप 41 का कंप्लायंस कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन और रूलिंग है जो ट्रांसिट एंटीसिपेटरी बेल 15 डेज का हम लोग को मिलता है, हम लोग वो लेके कंप्लाई करेंगे। और जब भी मुफ्ती साहब ने एक को सामने से बोला है कि आपको जब भी पुलिस स्टेशन में हमारी जरूरत है हम आएंगे आपको पुलिस स्टेशन में, आपको कोऑपरेट करेंगे, हमारा जो भी स्टेटमेंट लेना आप ले सकते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से उनको अभी तक के डिटेन करके रखा हुआ है, किसी से मिलने की इजाजत नहीं उन्हें। पुलिस ने कहा है कि अफवाहों पे ध्यान ना दे, कोऑपरेट करने की कोशिश करे, जो भी होगा कानूनी तरीके से होगा, कानूनी तौर तरीके से होगा। इस मामले में आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब तक ज्ञान कंधे ना बने।